गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी बच गया है एक और ये मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अभी से। और ये देखिए, मैं शॉर्ट्स बना रही थी तो मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया है, बस खत्म हुआ है। तो और बाकी मुझे आज कपड़े भी धुलने हैं जो कि मैंने वॉशिंग मशीन में डाल रखे हैं, लेकिन अभी उनको पूरी तरह से और धोना बाकी है, मतलब शिफ्ट करना है ना दूसरे वाले में, तो वो भी बाकी है। बाकी मेरा रूम देखिए कैसे गंदी हालत में पड़ा हुआ है, अभी इधर उधर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जगह चाहिए होती है। और हाँ, इससे रूम से याद आया, मैं आपको दिखाती हूँ कि रूम का मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेंज किया है रूम में, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ पहले कि हम लोगों ने क्या चेंज किया है। ये देखिए गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बेड हुआ करता था एकदम बहुत बड़ा सा बेड, तो वो हम लोगों ने हटा दिया है क्योंकि हम लोगों को ना स्पेस चाहिए था रूम में, और वो कम से कम वो यहाँ इस पूरा यहाँ तक आता था, मतलब ये मैट इतना दूर है, पूरा ये मैट जहाँ तक है यहाँ तक वो बेड आता था, और बहुत ज़्यादा मतलब रूम भरा भरा सा भी लगता था। तो ये देखिए अभी कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है, पूरा खाली हो गया है। वहाँ का टेबल भी हम लोगों ने हटा दिया है, एक लकड़ी वाला टेबल वहाँ पर था वो भी हटा दिया है, तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस हम लोग को मिल गया है। ये देखिए इतना यहाँ पर, ताकि मुझे थोड़ा सा आसान भी हो गया है शॉर्ट्स बनाने में, रील्स बनाने में आसान लगता है, वरना बहुत कम जगह यहाँ पे रहता था। तो ये देखिए ऐसा कुछ है, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, गिर गया है। तो बाकी मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है और अभी हम चलते हैं, पहले कपड़ा धुल देते हैं चल के, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है, 1:30 बज गया है, तो अभी धुल देंगे तो थोड़ा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद से देखते हैं आज क्या खाना है मुझे। चलिए पहले मैं दिखाती हूँ आपको कितना सारा कपड़ा, ये देखिए अभी इतना सा और है अभी धोना, और इसमें देखिए पड़ा है, ये देखिए इतना। तो फटाफट से ये पहले हम धो लेते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो ये गाइस अभी हो गए हैं, शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल चावल और भुजिया ही बनाना है मुझे, तो मैंने इधर दाल बना ली और भुजिया बन रही है, तो मुझे अभी बस चावल बनाना है। बाकी मैंने जो दिन में कपड़े धुले थे मैं दिखाती हूँ आपको कितना सारा कपड़ा था वो, ये देखिए। तो मैंने वो सारा काम कर लिया था, और बाकी दिन में 5 बजे के टाइम पे मुझे नींद आ गई थी और हम सो गए थे, फिर 6 बजे उठे, उस पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर वही शाम का चाय वगैरह हम लोगों ने पिया, और अभी हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो मिलते हैं, खाना बना लेते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो गाइस अभी हमारा खाना बन गया है पूरी तरह से पूरा, और अभी देखिए कितना ज़्यादा पसीना हो गया है, और यहाँ पर मैंने खाना लगा भी दिया है। आप ये देखिए ज़रा, ये रहा आम पापड़, और ये भुजिया, खीरा, दाल, दूध, और इधर है हमारा चावल, और ये जो है कितना किचन कितना बिखरा हुआ है पूरा। खाना बनाते टाइम तो ऐसे हाल सबका ही, सबके ही घर के किचन का हो जाता होगा ऐसे ही। तो चलिए कोई नहीं, अभी खा के सारा क्लीन करेंगे, तो चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा काम हो गया है, खाना वाना खा लिया मैंने, बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं बहुत, और अभी लाइट भी चली गई थी जो अभी आई है जस्ट, तो बाकी मैंने फ्रेश वगैरह भी हम हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और बाकी मिलते हैं कल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए बाय।